हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं थाई टिप्स फॉर यू। मैं इस वीडियो में अपने काम का डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। जैसा कि आप हर बार देखते हैं, मैं बाकी यूट्यूबरों की तरह नहीं हूं दोस्तों। मैं कुछ अलग हूं और मैं कुछ अलग करने की कोशिश में हूं। आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर तुरंत ही वीडियो डालना शुरू कर दिया, लेकिन हमें 2 दिन लग गए दोस्तों। मैं खुद बिन हुआ, मेरे फॉर्मूले पास हुए हैं, उसके बावजूद भी मैं 2 दिन बाद आप सबों को पहला वीडियो दे रहा हूँ, उसमें भी सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ। इसका मतलब आप समझ सकते होंगे कि मेरा सेट्स तो पास नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ट्रिक और जो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक होते हैं वो पास हुए हैं। लेकिन हमारे कोई भी भाई विन नहीं हो पाए, इसलिए हमें दुख हो रहा है कि गेम मेरे पास था। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि थाईलैंड की लॉटरी जीतने के लिए आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स की ज़रूरत है, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं कट और टच। कट और टच, यदि आप ये दो चीज़ों को समझ जाते हैं दोस्तों, तो गेम जीतना बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? कट में आपको क्या ध्यान देने होंगे, कट डिजिट क्या आ रहे हैं और टच डिजिट में टच क्या आ रहे हैं, ठीक है? फिर उसी तरह से कट पेयर्स क्या आ रहे हैं और टच पेयर्स क्या आ रहे हैं, कट टोटल क्या आ रहे हैं, टच टोटल क्या आ रहे हैं, कट सेट्स क्या हैं और टर्च सेट्स क्या है। यदि इस 4 पॉइंट यानी कि टोटल 8 पॉइंट को आप समझते हैं दोस्तों, और यदि आप इसे फॉलो करते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप गेम विन हो सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हो सके तो हमें कमेंट भी कीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी पता चले कि इस वीडियो को देखकर, इस ट्रिक को देखकर आपने क्या समझा, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ मैं अपने ट्रिक कि किस तरह से पास हुआ है और कैसे विन हुआ है दोस्तों। 3 अपकट डिजिट में बताया था और पास हुआ है, और यह बहुत लंबे समय से यानी 2, 3, 4 जो 3 अप आए हुए हैं दोस्तों, वहाँ से कंटिन्यू यह पास होता आ रहा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस बार भी पास हुआ है, ठीक है? इस बार जो 3 अप रिजल्ट आए हैं 602, मैंने आपको कट दिया था 9 और 1, और मैंने यहाँ पर लिखा था 100% का पास होने वाला है, और बिल्कुल भी पास हुआ है दोस्तों, ठीक है? आपको कट डिजिट में सिर्फ एक वीडियो, और यही एक वीडियो मैं दिया था और वह भी पास हुआ है। हालांकि आप कह सकते हैं कि मैं जो टच डिजिट का फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला मेरा फेल हुआ है, और इस वजह से गेम मरा है और आप सब नहीं बीन हो पाए हैं, ठीक है? अब मैं आपको दूसरा ट्रिक बताता हूँ, दूसरा वीडियो, ठीक है? दूसरे में देखिए, मैं आपको 3 अप 8 सेट्स का फॉर्मूला दिया था और यह फार्मूला भी कंटिन्यू पास हो रहा था दोस्तों, लेकिन इस बार एक नंबर से गेम मर गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंटिन्यू यह पास हुआ था। आप हमारे वीडियो चैनल पर जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है? मैंने देखिए यहाँ पर आपको दिया था ये सिर्फ 8 सेट्स, यहाँ पर 6-2 का पेयर पास हुआ है दोस्तों, लेकिन 6-5 था हमारा 3 अप, तो यहाँ गेम मर गया। तो 5 का होम यहाँ पर ले लिया है दोस्तों, इसीलिए गेम मर गया, ठीक है? तो यह भी ट्रिक, यह फॉर्मूला हमारा पास नहीं हुआ है, मैं इसे पास नहीं मानता। इसमें मैं आपको 3 अप टोटल ट्रिक बताया था विद चार्ट रूट, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो मैं दिया था लास्ट टाइम, आप जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं, 16/7/2018 के लिए मैं टोटल का वीडियो, एक ही वीडियो, सिर्फ यही वीडियो दिया था दोस्तों, और 9-0 दिया था, वहाँ से 9 पास हुआ था, 3 अप रिजल्ट आए थे 3-4।
हमारे टोटल के फॉर्मूले बिल्कुल पास होते रहे हैं दोस्तों अब तक लास्ट 6 ड्रा से, ठीक है। तो हमारे टोटल का फॉर्मूला को आप बिल्कुल भी ध्यान में रखें, और यदि आप उसको ध्यान में रखकर सेट्स बनाते हैं या गेम खेलते हैं तो बिल्कुल भी आप फेल नहीं करेंगे। दूसरे 1 अगस्त के लिए मैं यहाँ पर दिया था 4 और 7, लेकिन 4 कट था, 7 के चांसेस थे। इस ट्रिक के माध्यम से 9 और 4 टोटल मिल, लेकिन यह कट था, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। तो अगला जो मैं बताया था दोस्तों, यह भी टर्च एंड कट, ये दोनों में बताया था, चाटूट के माध्यम से बताया था कि यहाँ पर 0 आने वाले हैं। आप गौर करेंगे, मैंने टोटल के जो पहले वीडियो दिए हैं यहाँ पर मैं आपको 4 और 7 बताया था, 4 और 7 बताया था। हमें पता था 4 कट है, लेकिन 7 टर्च में आ सकता है। दूसरे वीडियो में दोस्तों यहाँ पर 0 आ रहा था, इसलिए मैं 0 को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। अब मैं यहाँ पर टोटल का चौथा वीडियो भी बताया था इस तरह से, 2018 के जितने भी 3F रिजल्ट आए हुए हैं उसका क्या टोटल आया हुआ है मैं यहाँ पर बताया था, और इसके डिटेल्स मैंने यहाँ पर लिखे थे कि 9 का टोटल 3 टाइम्स आ चुके हैं, 0, 1, 3, 5 के 2 टाइम्स और 6, 7 के 1 टाइम्स, लेकिन 2, 4, 8 का आना बाकी था। मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखा है, यदि आप वीडियो को देखेंगे दोस्तों तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसमें से 4 कट था, 2 और 8 टर्च था, जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। फुल मैंने आपको यहाँ पर दिया था, कट टोटल में जो दिया था 4, 6, 9 और 3 भी मैं यहाँ पर देखिए टोटल टर्च में दिया था 2, 3, 8, उसमें से 3 मैं कट करके इसको कट में डाल दिया था और बिल्कुल भी ये पास हुए हैं। होट टोटल जो था दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा, मैंने पहले आपको बताया 0 और 7 आ रहे थे, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया था, लेकिन यहाँ से पास नहीं हुआ, यहाँ से पास हुआ है 2 और 8, 8 पास आया है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा ये वीडियो पास होता है टोटल का, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनल टोटल्स में मैं आपको बताया था कट डिजिट 8 और 9 रहेगा, लॉक कट डिजिट में मैं 0, 7, 4 दिया हूँ, ठीक है। हमारे एक भाई ने हमें कमेंट किया कि हम गेम विन हो जाते, लेकिन आपने 0 को कट में डाल दिया, इसीलिए मैंने गेम विन नहीं हो पाया। ओके भाई सॉरी, लेकिन ज़रा सा आप गौर करें, आपने ध्यान से वीडियो को देखा नहीं, 0, 1, 4, 7 मैंने लॉट टर्च डिजिट में दिया है, तो यहाँ पर 0 है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 0 हमने कट में डाला। 0 के चांसेस बनते हैं, लेकिन जो कट डिजिट था 8 और 9 वो 100% कट ही था। मेरा जो टर्च डिजिट है यहाँ से देखिए 2 और 6 क्लियरली पास हुआ है, और लॉट टर्च में 0 है, तो यहाँ पर भी गेम पास होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको दिया था टर्च पेयर्स और कट पेयर, तो देखिए टर्च पेयर्स में हमारा 6-2 पास हुआ है बिल्कुल, और कट पेयर में कोई भी नहीं बिल्कुल, देखिए ये भी पास हुआ है। तो आप कैसे कहेंगे कि पास नहीं हुआ, इतना कॉन्फिडेंस से और इतने सारे ट्रिक्स, कोई भी यदि यूट्यूबर पास करा के दे दे तो आप उसका नाम मेरे को बता दें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखें कट टोटल 4, 6, 9 और टर्च टोटल 0, 1, 5, 7 और लॉग टर्च में मैं सेम टू सेम 2, 3, 8 लिखा है, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पर मानता हूँ मैंने जो सेट्स दिए थे 3 अपसेट्स, यहाँ पर मेरे 3 अपसेट्स बिल्कुल फेल हुए हैं, एक भी पास नहीं हुआ है, और मैंने डाउन का दिया था सेट्स, ये भी पास नहीं हुआ है। अब मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट है दोस्तों, बहुत ही कॉन्फिडेंट, और मेरे एक भाई ने हमें कमेंट किया था, हमारे पुराने भाई हैं, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं बिस्ता जी, उन्होंने हमें बताया था जब मैं ये ट्रिक पहले वीडियो में दे दिया था, फाइनल 3 अपेयर्स में पहले वीडियो में मेरा था, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, तो उन्हें कमेंट किया था उन्होंने कि आपने पहले वीडियो में फाइनल 3 अपसेट्स पेयर्स कैसे दे दिया। तो दोस्तों यह पहले ही पेपर से
मैंने बना कर दिया था और थाईलैंड वाले वहीं से नंबर खेल दिया। इसलिए मेरे जो लास्ट के जितने वीडियो रहे, मैंने जो लास्ट में जो सेट्स दिए वो सारे फेल हुए। मैं जो फाइनल थ्री अप पेयर्स देता हूँ, ये मेरे पेयर्स बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कामयाब होते हैं। आप लोग गलती क्या करते हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरे पूरे वीडियो को देखिए। आप जो भी गेम प्ले करते हैं उससे पहले आप पूरे वीडियो को फिर से देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 602, यदि आप इसका थ्री अप सेट्स बनाएंगे दोस्तों तो आपका गेम डायरेक्ट पास होता। और यहीं से मैं थ्री अप सेट्स बनाकर प्ले किया था, लेकिन इस थ्री अप पेयर से जो मैं सेट्स बनाया था वो मैं आप सबों को शेयर नहीं कर पाया। यही मेरा मिस्टेक हुआ, इसीलिए आप सब भी नहीं हो पाए। लेकिन दोस्तों सेट्स बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, इसीलिए मैंने आप सबों को नहीं दे पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सब बहुत सारे पैसे लॉस कर जाएं। बहुत सारे बड़े खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, बहुत सारे पैसे खेलते हैं, बहुत सारे सेट्स खेल जाते हैं, तो उनके लिए तो खैर सही हो जाता। लेकिन जो भाई फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, अभी तक कभी भी जीते नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है कि कौन सा प्ले करें और कौन सा नहीं करें। बहुत ज़्यादा सेट्स हो जाना भी अच्छा नहीं है दोस्तों। हर बार आप लॉस करेंगे तो फिर खेलना भी आगे मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये यहाँ पर के बनाए हुए थ्री अप सेट्स आप सबों को शेयर नहीं किया था, लेकिन यहीं से हमारा थ्री अप सेट्स पास हो गया। और एक भाई हमें कमेंट किया है, अमर नाम का हमारे दोस्त कमेंट किया है, उन्होंने यहाँ से ही थ्री अप सेट्स बनाए थे और 3 थ्री अप सेट्स उन्होंने विन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यह मेरा फाइनल जो मैं थ्री अप पेयर्स देता हूँ यह पास हुआ है। आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, आपको प्रूफ मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए यह प्रीवियस रिजल्ट मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि पिछला नतीजा। मैं जब से चैनल क्रिएट किया है और चैनल के माध्यम से जब से आप सबों को मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ, अपने तजुर्बे को मैं आप सबों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, तब से आप देख सकते हैं, आप हमारे चैनल पर भी जाकर वीडियो भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने कितने बार थ्री अप सेट्स पास किए हैं। तो आप देखेंगे 073 यह सेट पास हुआ है, 229 भी पास हुआ है, 038 भी पास हुआ है, 629 भी पास हुआ है, 117 यहाँ पर हमारा गेम मिस हुआ है आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा 7 सिंगल डिजिट पास हुआ है, 131 का सिर्फ 3 सिंगल डिजिट पास हुआ है, गेम मिस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गेम डबल आया था इसीलिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे 623 में 62 का पेयर पास हुआ है, गेम भी पास हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई जीते थे। 324 में देखेंगे 34 का हमारा पेयर पास हुआ था और गेम मिस हो गया था, यानी कि थ्री अप जो सेट्स था वो मिस हो गया था, इसलिए बहुत लोग नहीं जीत पाए थे। अब इस बार जो आया है दोस्तों, यहाँ पर 602, यानी कि यहाँ पर हमारा देखिए दो पेयर पास हुए हैं, 60 और 62, यहाँ पर हमारा पेयर्स पास होता है और गेम विन हुआ है, यानी कि पास हुआ है, लेकिन इंक्लूडिंग मी दो लोग ही जीत पाए हैं। अभी तक जो भी मुझे कमेंट मिला है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो यह था मेरा रिपोर्ट कार्ड जो मैं आप सबको बताया दोस्तों, मेरा गेम मिस होता है या पास होता है, मैं आप सबको बहुत ही क्लियरली और साफ दिल से मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। अपने सूझबूझ के साथ खेलें, यह लॉटरी गेम है। और मैं नए भाई से, नए दोस्तों से कहना चाहूँगा कि यदि आप स्टार्टिंग में स्टार्टिंग किए हैं खेलना, तो आप कुछ ही सेट खेलें, आप ज़्यादा सेट ना खेलें, कम पैसे लगाएं दोस्तों।
जब आप थोड़ा बहुत जीत जाते हैं तो फिर आप बड़े गेम प्ले कर सकते हैं, ज़्यादा सेट्स खेल सकते हैं, ठीक है। तो अगले जो रिज़ल्ट आने वाले हैं उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले ड्रा के लिए कुछ नए टिप्स, नए ट्रिक में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।